सब्सक्राइब कीजिए पीबी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आप रेडमी नोट 5 प्रो लेना चाहते हैं लेकिन फ्लैश सेल की वजह से आप ये फ़ोन को नहीं ले पा रहे हो? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी क्वेश्चन क्यूरीज दूर हो जाएंगे और आप नेक्स्ट सेल में इस फ़ोन को 101% खरीद सकोगे। तो ये किसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सभी बातें मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा ताकि आप इस फ़ोन को नेक्स्ट सेल में खरीद सको। तो मैं परेश पीबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता कि आपको ये फोन नेक्स्ट सेल में कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप जहाँ पे भी जाओगे तो वही एक चक्कर आ रहा है, घुमा फिरा के एक ही बात बोली जा रही है कि भाई Xiaomi का जो सेल चलता है, फ्लैश सेल का ये चक्कर बहुत ही बकवास है, इसमें हमें फ़ोन नहीं मिलता है। हम फ़ोन लेने जाते हैं, हम पेमेंट डिटेल फिलअप करते हैं, उसके बाद आ जाता है वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक, हमें फ़ोन नहीं मिलेगा, फिर से वेट करो नेक्स्ट सेल की। नेक्स्ट सेल आता है, नेक्स्ट सेल में भी वही हो जाता है, हम वहाँ पे क्लिक वगैरह करते हैं, कुछ एक्सटेंशन वगैरह डाल के वहाँ पे हम करते हैं कोशिश उसको बुक करने की, लेकिन वो बुक तो नहीं होता है, 2-3 सेकंड में हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन हम मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमें बोला जाता है कि भाई आपको देने पड़ेंगे 2000 रुपये एक्स्ट्रा, भाई आपको देने पड़ेंगे 3000 रुपये एक्स्ट्रा, तो हम आपको दे देंगे Redmi Note 5 Pro। लेकिन भाई ये फ़ोन की प्राइस 14000 रुपये है, तो हम इसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों दें? जितना है उसकी दिखाया है तो उतना ही प्राइस हम उसको देंगे, लेकिन ये फ्लैश सेल के चक्कर में हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे। वो एक ही फ़ोन की वजह नहीं, सभी टीवी हो गए, फ़ोन हो गए, उनके बैन हो गए, जो भी कुछ उनका फ्लैश सेल में चलता है वो जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको किसी को मिलता ही नहीं है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सभी के बारे में मनु जैन जो Xiaomi के मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया के, उन्होंने बताया है कि भाई आज के बाद या नेक्स्ट सेल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सभी लोगों को फ़ोन मिलेगा। आज तक जो सेल आता था, सेल में मिलता था 10 लोग जब फ़ोन लेने बैठते थे उसमें से सिर्फ 4 ही लोगों को फ़ोन मिल पाता था, लेकिन अब नेक्स्ट जो सेल आएगा उसमें 10 में से 8 लोगों को फ़ोन मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है, आपको फ़ोन कैसे मिलेगा, तो मैं आपको विस्तार से सभी बातें बताता हूँ। दोस्तों, जैसे जियो आया था तो जियो के टाइम सेम ऐसी ही कंडीशन हुई थी, लोग लेने वाले ज्यादा थे लेकिन जियो सिम सभी को मिल नहीं रही थी, इसके लिए वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सेम चीज यहां पे भी हो रही है Redmi Note 5 Pro के लिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जब हम बुक करते तो हमसे तो बुक नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग चलती है। जो शॉप वाले रहते हैं, जो हमारे वहाँ पे दुकानदार वगैरह लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में माल मंगा लेते हैं और फिर हमें यहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के ये मोबाइल हमें ये बेचते हैं। सेम जियो की जैसे हालत थी, सेम वैसे ही Redmi 5 की अभी यहाँ पे हो रही है हालत। इसके लिए कंपनी पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि यार इनका ये फ्लैश सेल का चक्कर कुछ अजीब गजब है, यहाँ पे लोगों को पैसा लूटने के लिए बैठे ये सब Xiaomi वाले, ऐसा लोग कुछ बोल रहे थे। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए मनु जैन ने बोल दिया है कि भाई अभी से क्या होगा, सपोज आप Flipkart से फ़ोन ऑर्डर कर रहे हो, आपके अकाउंट से ईमेल आईडी से एक फ़ोन ही बुक होगा, यदि आप एक से ज़्यादा फ़ोन बुक करने जाओगे तो आपके ईमेल आईडी से ये फ़ोन बुक नहीं होगा। अगर आप बुक करने की कोशिश करते हो तो आपका फ़ोन कुछ भी कर लो बुक होगा ही नहीं। जो आप सेम कंडीशन अप्लाई होती है MI.com पे भी, MI.com पे भी आपका अकाउंट होगा तो एक अकाउंट से एक ही फ़ोन बुक होगा, मतलब जो भी फ्लैश सेल में चीज़ आती है सेम एक अकाउंट से एक ही चीज़ बुक होगी। दूसरी चीज़ आप बुक करने जाओगे फ्लैश सेल के तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी, फ्लैश सेल खत्म हो गया, अभी नॉर्मल रेट में ये फोन्स मिल रहे, टीवीज मिल रहे, तो वहां तब आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन फ्लैश सेल में आप एक बार में एक ही चीज बुक कर पाओगे। सपोज आपको Redmi 5 लेना है तो आपने एक बार आपके अकाउंट से बुक कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप बुक करने जाओगे तो ये बुक नहीं होगा, वहां पे एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको आउट ऑफ स्टॉक ये बता देगा। इससे होगा क्या, जो लोग यहाँ पे एक अकाउंट से 3-3, 4-4 मोबाइल मंगा लेते हो और फिर वो ज़्यादा रेट में यूज़र लोगों को बेच रहे थे, इसके लिए यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बोल दिया है कि भाई अभी एक अकाउंट से एक ही फ़ोन बुक होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शॉप वाले कितने फ़ोन बुक करवाएंगे, 1-2-3, उससे ज़्यादा ये बुक नहीं कर पाएंगे। कितने मेल आई डी बना लेंगे, 1-2-3, लेकिन उससे ज़्यादा मेल आई डी ये बुक बना नहीं सकते, इतने के लिए उनको सब मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी। और सेकंड जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले सपोज मैं बोल रहा हूँ, मुझे फिक्स टोटल पता नहीं है कितने पीस यहाँ पे एक सेल के लिए मंगाए जाते हैं चाइना से, लेकिन सपोज यहाँ पे 10 लाख फोन्स एक बार सेल के लिए मंगाए जाते थे, तो मनु जैन ने अभी बताया है कि यहाँ पे नेक्स्ट सेल जो आएगा उस पर 10 की जगह 20 लाख फ़ोन यहाँ पे सेल के लिए मंगाए जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई आप 10 लोग लेने जा रहे हो फ़ोन, तो 10 में से 8 लोगों को तो 100% ये फ़ोन मिल जाएगा, बाकी 2 लोग नेक्स्ट सेल में ट्राई कर लीजिएगा। यदि आपको ये
फ़ोन लेना है तो ये जो नेक्स्ट सेल आएगा उसमें आपको 100% ये फ़ोन मिल जाएगा। ये पीवी न्यूज़ की गारंटी है, ये एमआई की गारंटी एमआई वालों ने दी है। ये पीवी न्यूज़ की ओर से भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको फ़ोन लेना है तो 100% आपको ये सेल में फ़ोन मिल जाएगा, यदि नहीं मिलता है तो नेक्स्ट सेल में तो 101% मिल ही मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए और जिस बंदे को ये फ़ोन लेना है उसको ये फ़ोन मिल जाना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।